कोई प्रॉब्लम आ रही है भेज दिया भाई कुछ। ओके चलो तो आज कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है। ओके तो पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन एट एक्स साइन कॉस फोर एक्स। ओके अब क्या ना तो ये स्क्वायर वाला है ना ये क्यूब वाला है, तो इसको कैसे अप्रोच करें, क्या देख रहे हो इसमें, क्या लग रहा है साइन ए कॉस बी, जो हमने लेवल में पढ़े थे फॉर्मूले। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ टू नहीं है, तो मैंने क्या करा, टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, तो मेरा क्वेश्चन क्या फ्रेम हो गया, 1/2 बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन साइन देखो, यहां ए है 8x और बी है 4x, तो क्या बना, साइन 12x प्लस साइन 4x dx। आया समझ क्या करा हमने, हमने 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाया और ये हमारा इंटीग्रेशन में इजीली बना। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते, क्या आएगा 1/2 साइन 4x 12x का 1/12 कॉस 12x और एक नेगेटिव साइन लगा दो, ऐसे ही आगे लिखोगे 1/4 कॉस 4x प्लस सी, ठीक है। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इजी कर लो, क्या बन जाएगा ये -1/24 कॉस 12x -1/8 कॉस 4x प्लस सी, क्लियर। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन में मेजोरिटी क्या है, आपके फॉर्मूलाज का यूज होगा, अगर फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि साइन क्यूब एक्स अगर अकेला है तो कैसे खेलना है, कॉस क्यूब एक्स है तो कैसे खेलना है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, दोनों है इसमें, तो क्या अप्रोच लगाए, थोड़ा सा अगर हम सोचें तो हमें एक चीज पता है कि साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin x cos x, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां कैसे यूज करने वाला हूं, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 8 से डिवाइड करूं और 8 से मल्टीप्लाई करूं, इसको ले लेते 2 क्यूब, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बना 1/8 बाहर निकला, ये बना 2 sin x cos x का होल क्यूब, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 2x का होल क्यूब, तो बना 1/8 साइन 2x का होल क्यूब dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब इसको हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, फिर हम फॉर्मूला लेके आएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin 3x, ठीक है। यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है। यहां क्या है, साइन क्यूब एक्स और यहां पे क्या है, साइन क्यूब 2x, मतलब एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो आप एंगल यहां भी डबल करेंगे, 2x बन जाएगा और ये 6x बन जाएगा। तो इसको प्लेस करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/8 वैल्यू क्या आ गई, 3 sin 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4 dx, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इजी हो गया है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 4 को बाहर निकालो तो आ गया 1/32, जब 3 sin 2x तो करोगे तो क्या आएगा, माइनस 3 ऐसी तरह 2 नीचे आ गया, ये बन गया cos 2x,
इधर निकले साइन, ऐसी सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/6 cos 6x प्लस सी। ठीक है, दोबारा देखें क्या करा हमने, हमने क्या करा, हमें दिया था साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो हमने ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करा, क्या करा इस डिनोमिनेटर वाले 8 को बाहर ले गए और ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। ठीक है, फिर क्यूब में आया, क्यूब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्यूब वालों कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से मैंने सिंप्लीफाई करके साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली, यहां प्लेस करी, फिर इसको क्या है सिंपल इंटीग्रेशन, आप लोग पता है, समझ आ गया। तो फॉर्मूलोज पे स्ट्रेस दीजिए तभी काम बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और लेते हैं, थर्ड हमारे पास है, फिर वही पावर भी खेल रहे हम, साइन की पावर 6x dx। ठीक है, अब इसको क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्यूब और एक स्क्वायर यूज कर सकते हैं, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी अभी निकाला था साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, तो फिर वही निकालेंगे, मैं बार बार फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे, ठीक है ना, आप ऐसे करेंगे तो याद रहेगा, चाहता तो उसको मैं नहीं हटाता, बार बार लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, हर एक क्वेश्चन में लिखो बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आई, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, इसको यहां प्लेस कर देते हैं, तो क्या आ गए, ये बना आपका 1 अपॉन 16, 4 को पहले लिख दिया, और ये बना 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी भी मैं इसको सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना है, यहां मैं लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये क्या बना 1 अपॉन 16 इंटीग्रेशन से बाहर, ये बना 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 6 साइन एक्स साइन 3x dx। देखो कितना लंबा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर 3x दिख रहा है इसको तो हम cos 2x के फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पे क्या बन रहा है कि दोबारा बन रहा है 2 साइन ए साइन बी, दोबारा फॉर्मूला सोचो क्या था फॉर्मूला, तब इसको कर पाओगे। ठीक है, चलो तो हम सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को डालो, मैं यहां से वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स की, तुम्हें पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस cos 2x बाय 2, तो मैंने क्या यहां के सिंप्लीफिकेशन निकाल दिया, तो आ गया 1 अपॉन 16 इंटीग्रेशन साइन 9 कॉपी किया साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x बाय 2, इसको मैं लिख दिया 9 बाय 2, क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या है, ये साइन 3x है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंगल को, ये बना 1 माइनस cos 6x बाय 2, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ खेलते हैं 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो ये था 6, तो यहां से इसको मैंने ब्रेक करा 2 इंटू 3 में, तो ये बन गया 3। अब इस फॉर्मूले को प्लेस कर दो, तो यहां मैंने इसको ले लिया a, इसको ले लिया मैंने b, आप कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर भी सेम। ओके, तो फर्स्ट क्या आएगा cos 2x और सेकेंड आएगा cos 4x और ये आगे dx, क्यों,
क्योंकि जो कॉस होता है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलो अब तो क्वेश्चन इजी हो गया मान लो अगले, हम क्या करते हैं नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या बना 1/16 9/2, 1 को इंटीग्रेट करूंगा आएगा हमारे पास एक्स, ये बना एक्स माइनस कॉस 2x का साइन 2x बाय 2 प्लस ये 1/2 बाहर निकाल दो, ये बना 1 का x माइनस कॉस 6x का साइन 6x बाय 6 माइनस ये बचा 3 कॉस 2x से क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 ऐसी कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है चाहो तो रिकलेक्ट कर सकते हो टर्म साइन 2x और यहां साइन 2x x और x थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है मेन पार्ट हमारा क्या था इन फॉर्मूलोस को डिटेक्ट करना कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है। पहले हमने क्या करा इसको हमने ब्रेक कर दिया साइन क्यूब एक्स होल स्क्वायर, देन साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली और यहां प्लेस कर दी, फिर इसमें क्या लगा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां तक हमारा इजी था। फिर आगे प्रॉब्लम क्या आई, पहले साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली यूजिंग कॉस टू एक्स फॉर्मूला, फिर यहां फॉर्मूला लगा 2 साइन ए साइन बी का और फिर ये एक्सपैंड होकर हमारा आंसर आ गया। आपके लोग क्या कर सकते हैं इसको रिकलेक्ट कर सकते हैं एक्स एक्स को और साइन टू एक्स को, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये होमवर्क है आपका। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा एक इनवर्स वाला क्वेश्चन लेके आते हैं, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हमने ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में करे थे, तो उस केस में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, हम क्या करते थे इन फॉर्मूलाज को यूटिलाइजेशन करते थे कुछ कि कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यूज करूं 1 हटाऊं, है ना। तो अगर फर्स्ट ऊपर लगाओगे तो दो फॉर्मूले होते हमारे पास कॉस टू एक्स के, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है ये दो फॉर्मूला हमारे पास है, तो ऊपर वाले में कौन सा लग जाएगा साइन वाला, तो ये बना टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। डीएक्स लगाना ना भूलें। ठीक है अब देखो 1 से 1 कटा रूट से रूट कट गया, ये क्या बच गया टेन इनवर्स टेन एक्स। ठीक है टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स डीएक्स और इसका आंसर तो हमें पता ही है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो क्या गेम था मेन ये डिटेक्ट करना कि आंख बंद करके इंटीग्रेशन करने नहीं जा रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं कि यहां फॉर्मूला यूज करके हम इसको छोटा बना सकते हैं, छोटा बना क्या बनाया एक्स बना दिया। ठीक है एक और देखते हैं इनवर्स का क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस 10x, इसको इंटीग्रेट करना है, जहां इनवर्स दिख जाए वहां समझ जाओ कि अभी मैनिपुलेशन चलेंगी। तो अब क्या कर सकते हैं हम, कोई फॉर्मूला तो मेरे को नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूं sec को tan को sin cos में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। ओके अब कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो हमें ये पता है कि अगर 1 लगा हो तो अगर कॉस हो साथ में तो काम बन जाता है, मगर यहां क्या है साइन है, क्या मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कैसे 90 माइनस थीटा, तो वही लगाने वाला हूं यहां पे
तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। नीचे भी चेंज करना पड़ा क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, नीचे साइन को थीटा का फॉर्म लग जाएगा, dx भी लगाई दो भाई। यहां तक समझ आया क्या करा मैंने, मैंने क्या देखा, मैंने कहा 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो मैंने कह रहा साइन को कॉस में कन्वर्ट करा और नीचे वाले कॉस को साइन में कन्वर्ट करा। अब देखो क्या होगा, ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, देखो यह 1 प्लस में है तो ये बनेगा टेन इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1, ठीक है, अपॉन ये क्या बनेगा साइन थीटा फॉर्म लगाओ 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। अब क्या करा हम लोगों ने, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, आएगा टेन इनवर्स कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। क्या अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, अभी थोड़ा और बचता है, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, अगेन भाई 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया टेन इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 डीएक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, 10 वर्स 10 कटा तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन हमारा बन गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 डीएक्स। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 में एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका बन गया 4 और ये बन गया 2 पाई माइनस पाई, मतलब पाई बाय 4 बन गया ये, प्लस एक्स बाय 2 डीएक्स। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आएगा पाई बाय 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। क्या करा था हमने, sec x प्लस sin x था, पहले इसको तोड़ा साइन और कॉस में, तोड़ने के बाद हमारे पास बचा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से कुछ नहीं बन सकता, तो क्या करा साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करा और कॉस को साइन में कन्वर्ट, कैसे करा पाई बाय 2 माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा वाली लगाई प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ, 1 प्लस कॉस बन गया था तो 1 रिमूव करना इजी है, कॉस के फॉर्मूले से लगाया, नीचे साइन थीटा के फॉर्मूले से लगाया, क्या बचा था यहाँ पे टेन इनवर्स कॉट बचा था, कॉट को अगेन 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी से 10 में कन्वर्ट करा, वो कैंसिल आउट हुए और बाद में तो इजी हो गया। आ रहा है समझ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नए फॉर्मूले देख लेते हैं, ये तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री काम खत्म हो गया, अब हम थोड़े नए फॉर्मूले देखते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था, सेम था, वहां भी ई की पावर एक्स था, ई की पावर एक्स था, अब डिफरेंस क्या आएगा, जैसे मेरा क्वेश्चन है e की पावर 2x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो क्या होता था, ये 2 मल्टीप्लाई में आया था, अब इंटीग्रेशन करें तो डिवाइड में आया, इसी का एक और भाई है, उसको क्या कहते हैं a की पावर x, a की पावर x dx, a क्या होता है कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c, इसको करके देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे क्या है बस 7 की पावर x, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है तो क्या बन जाएगा 7 की पावर x अपॉन log 7 प्लस c, जब हमने डिफरेंशिएशन करा था तब क्या फॉर्मूला था a की पावर x इंटू log a, तब ये log a मल्टीप्लाई में आता था, तो आप एक फॉर्मूला अच्छे से कर लो या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दूसरे अपोजिट ही है उसके, समझ आ गया। तो आज हमने ये थोड़ा ब्रीफिंग कर ली है,
हमने तीन लेक्चर्स करे इंटीग्रेशन के और हमारी ब्रीफिंग पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स में। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके। अब क्या है, अगर आप थोड़ा वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक अच्छी चीज करी है। जैसे मैं होमवर्क में आपको देता था एक क्वेश्चन, तो कुछ बच्चों के कहने में मैंने क्या करा है, मैं आपको 6 questions दे रहा हूं, ठीक है। आपको बुक की जरूरत नहीं है, आप वो क्वेश्चंस करिए और उसमें आंसर्स भी गिवन है और प्रॉब्लम्स लेके आइए। वो तो कभी होता ही नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई लाता ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत ईजी आराम से हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलते हैं, ओके, बाय।